है एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंशिका की दुनिया। सो आज है हैप्पी बोकारो स्ट्रीट डे और कुछ दिन पहले ही बोकारो को एक अवार्ड मिला है ऑफ क्लीन सिटी एंड गुड सिटी। और यहाँ पर आज हम लोग सुबह में आए हैं ये स्ट्रीट डे देखने, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। तो जब आप लोग पूरी वीडियो देखेगा तो बहुत मज़ा आएगा। हाँ, बहुत सारे स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया था और डीएवी स्कूल ने यहाँ पर रंगोली बना रहे थे। एंड यहाँ पर योगा चल रहा है, जहाँ पर बहुत सारे लोग योगा कर रहे हैं बैठकर। एंड योगा हम लोगों की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और फिर यहाँ पर म्यूज़िक चल रहा था, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे स्कूल्स ही पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो ये सारे स्कूल से रिलेटेड ये सारे बच्चे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फिर प्रेयर ही हो रहा था। और फिर हम लोग चलते गए। आगे बच्चे बैडमिंटन खेल रहे थे, मेरा ही मन कर रहा था बैडमिंटन खेलने का, बट मैं बैडमिंटन लाई नहीं। फिर मैंने देखा कि वहाँ पर बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे हैं, खो खो खेल रहे थे, और एक और गेम था, उसका नाम तो मेरे को नहीं पता, बट बहुत अच्छा लगा मेरे को उस स्ट्रीट डे में जाकर। फिर यहाँ पर बच्चे ड्राइंग कर रहे थे और फिर मेरे को मिला एक गेम जहाँ पर मैं खेल रही थी। बहुत सारे ग्लासेस रखे हुए थे, उसके अंदर एक चिट थी। मेरा अगर गया तो फिर शिट, मेरा फर्स्ट टाइम पे तो नहीं गया, सेकंड टाइम देखते हैं। ये मेरे सेकंड टाइम पे चला गया और अब देखते हैं मेरे को क्या मिलता है गिफ्ट में। ठीक है, तो मेरे को मिला है गिफ्ट में एक मेरी गोल्ड का प्लांट। वाओ, आई लव दैट। फिर यहाँ पर मैंने बास्केटबॉल ट्राई किया, मेरा तो 2 times गया बस, मम्मा का 1 time ही गया। और हाँ, फिर जब मैं आगे गई थी ना, तो मेरे को एक डॉगी मिला था जिसके साथ मैंने खेला, और वो मेरे को कुछ कर भी नहीं रहा था। पता है उसका ब्रीड क्या था? गोल्डन रिट्रीवर। मेरे को गोल्डन रिट्रीवर डॉग्स ना बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं डॉग लवर भी तो हूँ ना मैं। और जब मैंने उस डॉग के साथ खेला ना, तब मेरे को मतलब लिटरली उसको छोड़ने का एकदम मन ही नहीं करता। मेरे को लग रहा था कि बस उसके साथ खेलते रहे। फाइन, छोड़ना तो पड़ेगा ना, आगे भी तो देखना है। फिर आगे बहुत अच्छा सा डांस चल रहा था वहाँ पर, जैसा कि आप लोग देख सकते हो वीडियो में। और हाँ, यहाँ पर जो आप लोगों को व्हाइट साड़ी में दिख रही है ना, वो तो मेरी फ्रेंड है, उसका नाम शगुन है। और फिर यहाँ पर डांस चल रहा था और इधर बच्चे आर्ट वर्क कर रहे थे। फिर यहाँ पर चल रहा था जॉगिंग एंड सम एक्सरसाइजेस। फिर हुला हूप, देखो यार मेरे को तो हुला हूप करना भी नहीं आता है, और यहाँ पर तो अमेजिंग थिंग थी, देखो कैसे बच्चों ने इतना मस्त किया था। और जब बच्चे कर रहे थे ना, तो मैं तो भाई साहब शॉक्ड ही हो गई थी, देखो आप लोग। और ये मेरे स्कूल का ही है। अरे यार, यहाँ पर तो मेरी पी टीचर है, मतलब मेरी स्कूल की पी टीचर है। यहाँ पर सारे भैया लोग यहाँ पर टीचर्स की फ़ोटो बना रहे थे, मतलब सबकी फ़ोटो बना रहे थे। मेरे को ही मन था, बट बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। देन यहाँ पर पापा एक गेम खेल रहे थे जिसमें आप लोगों को रिंग डालनी रहती है, तो पापा ने 2 डाले और 2 गए नहीं, मतलब पहला वाला नहीं गया, दूसरा वाला गया, तीसरा वाला गया, चौथा वाला नहीं गया। फिर यहाँ पर मैं एक गेम खेल रही थी जिसमें मेरी आँखों पे पट्टी लग गई थी। और फिर मेरे को यहाँ पर एक टावर बनाना था, जितना लंबा टावर बनाऊँगी उतना ही मैं जीत पाऊँगी। तो देखते हैं कितना लंबा बना पाती हूँ मैं ये टायर। पीछे जैकेट में ना मेरा फ्रेंड खड़ा हुआ है, वो मेरे को ऐसे देख रहा था ना, लग रहा था क्या करेगी ये। और ये मेरा मतलब मेरा फ्रेंड तो नहीं है, बट ये मेरे को स्किट में मेरे साथ था, मतलब जो मेरे स्कूल का फंक्शन था ना उसमें मेरे साथ था, तो जस्ट लाइक फ्रेंड ही है। ओ माय गॉड, गिर तो नहीं जाएगा? मेरे मन में यही चल रहा था, इतना लंबा टावर मैंने आँख बंद करके बना लिया। ओह माय गॉड, इतना लंबा, ओ गिर गया, लेकिन काफ़ी लंबा बनाया था। फिर यहाँ पर देखो डीएवी स्कूल की पेंटिंग्स कैसे मस्त मस्त बना रहे हैं वो लोग, और आधा कंप्लीट भी हो चुका है। फिर यहाँ पर मैं रोप खींच रही थी, फर्स्ट टाइम मैंने वाला गेम खेला था रोप पुलिंग। पापा को देखो, पापा तो एकदम दम लगा रहे हैं, इनफैक्ट मैं भी, लेकिन हम लोग फिर भी हार गए, दम लगा के हाइशा। अरे
लेकिन तुम लोग हेलमेट नहीं पहनोगे, हेलमेट नहीं पहनोगे तो तुम पार्टी में जा रहे हैं। अरे लेकिन हेलमेट जरूरी है यार, अभी चलना क्या दिमाग खराब कर रहे हो। एक एक्ट हो रहा था जो कि रोड सेफ्टी के ऊपर रिलेटेड था। खतरा बढ़ सकता है, इससे रोड एक्सीडेंट का खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए मैं आप सभी भारतवासियों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि कृपया जब आप दोपहिया वाहन चलाएं तो हेलमेट लगाएं। इससे ना सिर्फ अपनी जान बचा सकते हैं बल्कि सुरक्षा भी आप ही के हाथ में है। मैंने तो यहाँ पे बहुत मस्ती की। अगर आप लोगों ने वीडियो एंजॉय की तो प्लीज लाइक प्लीज शेयर प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।